चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने की दृष्टि से दुष्प्रचार करने के लिए फर्जी पत्र जारी करने की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस को बताया गया है कि कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा के फर्जी लेटर हेड पर एक फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि इसमें चुनाव के परिणामों को लेकर एक मनगढ़ंत आंकलन किया गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार संभाल रही कंपनी पर लगाया गया है। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा के नाम से फर्जी पत्र, फर्जी सर्वे रिपोर्ट बना के हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं किसी वेणुगोपाल के पास भेजने की झूठी पत्र को वायरल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वायरल किया गया हमें पूरी शंका है, इसलिए हमने आज सिविल लाइन थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाया। हम मांग की है कि तत्काल इसमें FIR दर्ज की जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की जाए। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो टीम देख रहे हैं, हमने नाम भी जिनके ऊपर शंका उनका नाम भी इस आवेदन पत्र में दिया है। यदि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और जो लोग भी इस फर्जी पत्र को और प्रचारित प्रसारित करेंगे हम उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाएंगे। पत्र में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है? पत्र में विभिन्न प्रकार की फर्जी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उस पत्र को हम मीडिया को भी उपलब्ध कराएंगे और इसको जो भी प्रचारित करेंगे उसके खिलाफ भी हम फर्जी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। BJP किसी बड़े नेता का नाम भी उसमें जोड़ा गया क्या? देखिए, चूंकि ये मामला भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का काम देख रहे हैं टीम बराह, उनके जो यहाँ पे प्रमुख हैं, उन सबके नाम हमने उसमें लिखाए हैं।